अब एक्सरसाइज 1.2 यानी इसमें क्या करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है -2/11 और -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसा कि ये संख्या है यहाँ पे आ गया, जैसे कि यहाँ पे आ गया 0 प्लस का और यहाँ पे 1/11, यहाँ पे 2/11 ऐसे अनंत तक जाएगा और इधर माइनस का आ जाता है 1/11 -2/11 -3/11 और -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 और -8/11 और -9/11। हमारे पास पहली संख्या है क्या है, -2/11। तो कौन सी है -2/11, एक तो ये हो गई, और कौन सी है अगली -5/11, तो -5/11 एक ये हो गई और एक -9/11 एक ये हो गई। तो एक तो ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, हमारे पास संख्या रेखा पर क्या हो गए, निरूपित हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ऐसी थर्ड क्वेश्चन, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो क्या है, 2 से छोटी। देखो अब 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखनी है हमारे को, देखते हैं 2 से छोटी क्या आती है। एक तो सोचो क्या आएगी, आप सोचोगे 1, 2, 3 ऐसे आएगी। देखते हैं क्या आएगी, एक तो 3/2 ये 2 से छोटी है, 1 आएगी 1/2 और 1/4 0 और -1 और -2 ये हो गई परिमेय संख्या। ऐसे हम अनंत परिमेय संख्या याद कर सकते हैं, ये तो इसने 5 पूछा था, आगे अनंत तक हम संख्या याद कर सकते हैं। अगला 5-5 परिमेय संख्या याद कीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन 5वां। सॉरी चौथा क्वेश्चन, -2/5 व 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या याद करनी है हमारे को, तो इन दोनों को ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं या अपने साथ से किसी से गुणा कर लो। मैं 10 से कर रहा हूं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसको करोगे तो माइनस के 20/50 और अगला 1/2 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आया 10/20। अब इन दोनों के बीच परिमेय संख्या जैसे कि -19/50 -18/50 ये आ रहा है, जैसे कि एक मिनट रुकना, सॉरी बेटा ये तो आ गया, लेकिन अगला इसमें यहां पे भी क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, तो ऊपर नीचे क्यों ना 25 से गुणा कर दे डायरेक्टली, 25 से किए तो यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 50 आ गया। तो अब लिखेंगे हम -19/50 -18/50 -17/50 ऐसे करके 25/50 तक 10 परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे हमारे को क्या करना था, ज्ञात करना था। अगला इसमें दे रखा है के बीच मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी खेड़गांव तरफ एग्जाम की तरफ से परिमेय संख्या इंपोर्टेंट है, क्या है इंपोर्टेंट है। जैसे कि 5वां क्वेश्चन के मध्य 5 परिमेय संख्या है 2/3 व 4/5, इनके बीच 5 परिमेय संख्या, देखते हैं क्या होता है, इनको ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा किए
क्या आया 10/15 और इसमें 4/5 को किससे गुणा करेंगे 3 से ऊपर नीचे 3 से गुणा किए 12/15 यह आ गया। कितनी संख्या याद करनी है 5 संख्या याद करनी है। तो बेटा इसमें 5 परिमेय संख्या कैसे याद होगी क्योंकि इसमें 2 का अंतराल है तो 2 तो हो जाएगी आगे और इससे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं ऊपर वाले को क्यों ना हम 3/5 से गुणा कर दे तो 6 आ गया। अब इन 6 के और 12 के बीच 6/15 हुआ 12/15 के बीच 5 परिमेय संख्या तो हो जाएगी 5/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 ये हो गई हमारे पास कितनी परिमेय संख्या 5, 5, 2, 3, 4, 5 हो गई। आगे इसका अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। सेकेंड इसका -3/2 5/3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमारे को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप -3/2 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप मल्टीप्लाई देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे इनको दोनों को 6 से माइनस के 18/12 और अगले को 5/3 को गुणा करेंगे 4 से गुणा किए 20/12 अब इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या आ जाएगी आसानी से देखते हैं माइनस के 17/12 ये माइनस के 16/12 दो ऐसे करके 20/12 तक आपको जो पसंद आए वो 5 परिमेय संख्या आप नोट कर सकते हैं। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है इसका नेक्स्ट थर्ड एक और देखते हैं (1/4 / 1/2 इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से ऊपर नीचे 5/20 अब इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई 10 से 10/20 अब इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या आसानी से आ जाएगी जैसे कि 6/20 एक तो यह भी 7/20 एक यह भी 8/20 यह भी 9/20 यह भी 10/20 यह भी हमारे पास 5 परिमेय संख्या 5, 2, 3, 4, 5 यह भी। आज के लिए इतना ही काफी है वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें।